तो चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चलिए चलते हैं दिन भर की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में सिटी बसों में सफर करना हुआ महंगा। सिटी ट्रांसपोर्ट की बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने दी स्वीकृति। हर स्लैब में 5-5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जी हां, उत्तर प्रदेश की शहर की सिटी बसों में सफर करना महंगा होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट की बोर्ड बैठक में किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हर स्लैब में किराया बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में 2 महिलाएं चल बसी। 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी फंसी हैं 2 जाने। जी हां, उत्तर प्रदेश में अलाया अपार्टमेंट हादसे में 17 घंटे से रेस्क्यू जारी है। मलबे से निकाली गई सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और उनकी पत्नी उजमा चल बसी है। इलाज के दौरान वो चल बसी। DGP DS चौहान ने यह जानकारी दी है कि फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू कार्य में मलबा बड़ी समस्या है। 2 अज्ञात लोगों की भी सूची मिली है। उत्तर प्रदेश में गुलमंजन और तंबाकू हृदय की नसों को कर रहे हैं कमजोर। पूर्वांचल में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे अधिक। जी हां, गुलमंजन और तंबाकू हृदय की नसों को कमजोर कर रहे हैं। इन दोनों के सेवन से मरीजों के हृदय कमजोर हो रहे हैं। बता दें कि NGO प्लास्टिक से लेकर पेसमेकर लगाना पड़ रहा है। BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के हृदय रोग विभाग की OPD में 40-45% मरीज तंबाकू और गुलमंजन करने वाले आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन मरीजों के हृदय सामान्य मरीजों की तुलना में 50-60% ज्यादा कमजोर है। उत्तर प्रदेश में विरोध के बीच पठान रिलीज। आगरा में प्रदर्शन, कानपुर में फोर्स तैनात, वाराणसी में पोस्टर फाड़े गए। जी हां, यूपी में शाहरुख खान की पठान मूवी बायकॉट के बीच रिलीज हो गई है। पहले दिन प्रदेश भर में यानी आज प्रदेश भर में सिनेमा घरों के बाहर फोर्स तैनात रही। आगरा मथुरा समेत कई शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। कानपुर में सिनेमा घरों के बाहर सुबह से पुलिस तैनात है। वहीं वाराणसी की बात करें तो युवाओं ने फिल्म के पोस्टर ही फाड़ डाले हैं। उधर मेरठ में भी केक काट कर फैन ने जश्न मनाया। कानपुर में भी पहले दिन 80% बुकिंग रही है। भारत में फोन ला रही है कोका कोला। भारत में फोन ला रही है कोका कोला। यूनिक डिजाइन देखकर आप भी हो जाएंगे फैन। जी हां, आप ऊपर फोटो में देख पा रहे होंगे अमेरिकी बेवरेज जायंट कोका कोला जल्द ही स्मार्टफोन बाजार में एंट्री करने वाली है। हाल ही में कोका कोला के स्मार्टफोन की पहली तस्वीर सामने आई है। बताने की टिपस्टर मुकुल शर्मा द्वारा शेयर की गई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार कोका कोला फोन जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, झांसी में रुक रुक कर बारिश। यूपी के 75 जिलों में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट। सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंडी। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम पलट गया है। लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाकी 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश यानी 75 जिलों में अगले 5 दिन यानी 30 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ओले भी गिरने के अनुमान जताए हैं। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर यूपी के ADG राजा N. रविंदर नवीन समेत इन 79 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। जाने पूरी जानकारी। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के 79 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट व सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। इसमें विशिष्ट सेवाओं के लिए नवीन अरोड़ा समेत कुल 5 अधिकारी शामिल है। इसके अलावा 74 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हादसे पर योगी सरकार एक्शन में, जांच कमेटी गठित, हफ्ते भर में देनी होगी रिपोर्ट। जी हां, लखनऊ में हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बने अलाया अपार्टमेंट में गिरने पर योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। CM योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है। इस कमेटी में आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोडिया एवं चीफ इंजीनियर PWD लखनऊ होंगे। ये समिति इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। लिट्टी चोखा इडली सांभर से सजेगी ट्रेन, यात्रियों की थाली। मेन्यू में 26 जनवरी से बदलाव लागू। जी हां, उत्तर प्रदेश में नए साल में ट्रेन के मेन्यू में बदलाव कर दिया गया है। रेल यात्रियों को अब क्षेत्रीय व्यंजन लिट्टी चोखा सहित इडली सांभर परोसा जाएगा। वहीं जैन समाज के लिए शुद्ध शाकाहारी और मधुमेह रोगियों को उबली सब्जियां ओट्स परोसे जाएंगे। राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के मद्देनजर रेलवे ने रेलगाड़ियों के मेन्यू में मोटा अनाज के 8 व्यंजनों को भी शामिल किया है। इस बदलाव में छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड का विशेष इंतजाम किया गया।
लखनऊ हादसे पर बड़ा एक्शन, यजदान बिल्डर के सभी अवैध अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर, दर्ज होगा मुकदमा। जी हां, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बनी अलाया अपार्टमेंट के गिरने पर उसके भवन मालिक मोहम्मद तारिक नवाजिद शाहिद तथा बिल्डर यजदान पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। मंडलायुक्त ने लखनऊ शहर में यजदान बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई अन्य बिल्डिंगों को चिन्हांकन करके जांच करने के भी निर्देश दे दिए हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट का 76 करोड़ रुपए से होगा विस्तार, रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। जी हां, बताने कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर मंत्रालय ने एयरपोर्ट के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही 76.66 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के विस्तार से पार्किंग बे 2 की जगह 10 हो जाएंगे, वहीं वाहनों की पार्किंग भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर होने लगेगी। वर्तमान की बात करें तो गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज के लिए रोजाना 10 उड़ानें होती हैं। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई और महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में विकसित होंगे 20-20 गांव, जानिए क्या है प्लान। जी हां, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को आज ये निर्देश दिया है कि वह आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में ग्राम 20 कार्यक्रम बनाएं। इन जिलों में 20-20 ग्राम सभाओं का चिन्हांकन कर आदर्श गाँव की तरह विकसित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि G20 के प्रतिनिधि इस गाँव को देखने के लिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण के लिए अच्छे प्रबंध भी किए जाएं। बजट 2023 से है उम्मीदें, ज्यादा निर्यात वाले 100 जिलों में बनेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हवाई और रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी। जी हां, देश में ज्यादा निर्यात करने वाले जिलों को प्रमुखता से सड़क, हवाई और रेल मार्ग से जोड़ने की दिशा में बजट में खास प्रावधान किए जा सकते हैं। बताने के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके मुताबिक वैश्विक मोर्चे पर निर्यात के लिहाजा से जरूरी शहरों में नई सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए जाने की जरूरत है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस, आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें। जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को सशर्त 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अलग मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, इस बात को लेकर जताई चिंता। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। आज वह सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा रखे हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, पीड़ितों को थाने में ही हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। आप सांसद संजय सिंह समेत 4 आरोपियों की सजा पर रोक, जुर्माने की आधी धनराशि जमा करने का आदेश। जी हां, सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट से पिछले दिनों 3 माह की कैद व 1,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कुल 4 आरोपियों की ओर से जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। प्रभारी जिला जज ने सांसद समेत 4 आरोपियों को मिली जमानत को अपील निस्तारण की अवधि तक बढ़ा दिया है। नोएडा में स्कूटी पर स्टंटबाजी, एक स्कूटी पर 5 लड़के कर रहे थे स्टंट, वीडियो पर लिखा धूम 4। जी हां, नोएडा में जानलेवा स्टंट वाली रील सामने आ रही है। वायरल वीडियो में एक स्कूटी पर 5 लड़के स्टंट करते दिख रहे हैं। इन वीडियो पर लिखा है धूम 4, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वायरल वीडियो थाना सेक्टर 24 क्षेत्र सेक्टर 12 का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो और लोकेशन के आधार पर जांच कर रही है। लखनऊ में छात्रों में बवाल, 43 छात्र घायल। छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद सैनिक और सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र भिड़े। जी हां, लखनऊ में छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद सैनिक और सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर हुए इस बवाल में छात्राओं की भी जमकर पिटाई की गई। पुलिस और टीचर बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्रों ने किसी एक की न सुनी। मारपीट में सेंट जोसेफ के 35 और सैनिक स्कूल की 8 छात्र छात्राओं को चोट आई है। इसमें 3 के सिर में टांके लगे हैं। कई छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ग्रेटर नोएडा में गरीब बच्चों को बांटे गए जूते, कपड़े, खिलौने और खाने का सामान भी दिया गया। बच्चों ने कहा थैंक यू। जी हाँ, रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा और गायत्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े और जूते बांटे गए हैं, साथ ही खाने का सामान भी दिया गया है। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी देखने को मिली है। बच्चों ने सभी को थैंक यू बोला। इस दौरान बच्चों को खिलौना और कपड़ों का भी वितरण किया गया। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के निशान को जरूर